असली जीतने का मजा तब आता है जब आप पे किसी को भरोसा ना हो और आप उसे करके दिखाते हो। यानी कि मतलब मेरे को सभी लोग बोलते थे तेरा वो मोटापा कभी कम नहीं हो सकता है, लेकिन आज मैंने जब अपना मोटापा कम कर लिया है तो वही लोग मेरे को पूछते हैं कि कैसे किया, कैसे कम हुआ, क्या तूने किया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं फिर से हाउसवाइफ के लिए एक अच्छी मोटिवेशन या हेल्थ मोटिवेशन बोल सकते हो ऐसी वीडियो लेके। और दोस्तों, मैंने अपना जो वेट कम कर रखा है, कैसे किया, क्या किया, वो सब मैं वीडियो में दिखाती रहती हूँ। और दोस्तों, हम अपने पे कैसे ध्यान देते हैं, कैसे देना चाहिए, वो सब मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। आप बने रहे मेरे साथ, थोड़ा रुका दे। तो दोस्तों, ये चार पांच एक्सरसाइज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेबल हैं मोटापा दूर करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए। घर पर ही हाउसवाइफ अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के ये एक्सरसाइज अगर डेली करें ना, ये पांच एक्सरसाइज जो कि कमर के लिए और पेट के लिए और आपकी थाई के लिए है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेबल है। यही एक्सरसाइज मैंने डेली करा है, या तो मैंने शाम को करे हैं या तो मैंने सुबह करे हैं। तो आज मेरा सॉल्ट फ्री डे भी है, तो आज मैं अपना सुबह का जो दिनचर्या है वो पूरी करके आज ये एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी जगह पे रनिंग करनी है, उसके बाद आगे पीछे वाले एक्सरसाइज करनी है, फिर आपको लेफ़्ट राइट पैर का हाथ से छूने वाला करना है, फिर ये वाले एक्सरसाइज करनी है। तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हो ये पांच एक्सरसाइज ऐसे हैं जिससे हम अपना वेट मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने भी अपना वेट कम कर लिया है, बहुत हद तक कम कर लिया है। वेट ज़्यादा होने से हमारे घुटनों में प्रॉब्लम आने लग जाती है, हमारे पैर के तलवों में प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि हमारा जो पूरी बॉडी का वेट होता है ना, वो घुटनों में और पैरों में ही जाता है। तो दोस्तों, बस मैं ना जिम गई और ना मैंने कोई डाइटिंग करी, मैंने घर पर ही इन इजी से इजी एक्सरसाइज से अपना वेट जो है कम करने की कोशिश करी है। 1 साल के अंदर अंदर इन एक्सरसाइज से ही मेरे 10 से 15 किलो तक वेट कम हो चुका है। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था दोस्तों, क्योंकि मैंने भी सोचा नहीं था कभी कि मैं वेट कम करूँगी या कुछ ऐसा टाइम आएगा। जब धीरे धीरे आपकी लाइफ में आपके साथ घटनाएं घटती है ना, लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो आपको वो करने में मतलब शौक करने का मन करता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कभी कभी हमें दूसरों की बातों पे भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग मेरे को बोलते थे ना, कभी मोटी तो पतली नहीं हो सकती है, जब कोई मजाक में ही बोल देता था मोटी कहीं की, या कोई यही बोल देता था तेरा वेट तो बहुत ज़्यादा है, या किसी से कंपेयर कर देते थे कि हाँ भाई नहीं मैं इसके बराबर मोटी नहीं हूँ, या कोई बोलता था बहुत ज़्यादा मोटा होता था तो वो बोलता था हाँ मैं इसके बराबर मोटी। तो आपको अच्छा नहीं लगता है जब आपको अच्छे बुरे कमेंट मिलते हैं ना, तो अच्छा जैसा नहीं लगता। तो मैंने भी यहाँ शुरू करा, स्टार्टिंग करी, तो मैंने करके दिखाया दोस्तों। आज मैं अपने आप में ही बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा वेट जो है कम हो गया है। वेट कम होने से हमारा कॉन्फिडेंट जो होता है वो बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है, मैं कपड़ों की बहुत शौकीन थी और मेरे को ना अपने पसंद के कपड़े पहनने का बहुत शौक, और वेट बढ़ने के कारण सबसे ज़्यादा असर पड़ता है आपकी बॉडी पे। तो आप अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते हैं। साड़ी जो कि एक औरत का गहना टाइप है, जिसमें औरत जो है बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन मैंने कितने सालों से साड़ी छोड़ी हुई थी, क्योंकि मैं ना साड़ी पहन नहीं पाती थी। क्योंकि साड़ी पहनने से एक बॉडी का जो शेप होता है, हमारा मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो ये साड़ी का जो शेप आता है बॉडी में वो अच्छा नहीं आ पाता। तो इसलिए हमें अपना वेट मैनेज करना चाहिए। हालांकि औरतों का वेट 60 होना चाहिए, लेकिन मेरे को अभी टाइम लगेगा दोस्तों 60 लाने में अपना वेट, पर धीरे 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 मैंने सीख लिया है अपने को फिट रखना और कैसे मैं हेल्दी और फिट रह सकती हूँ। वेट कम करने से ना हमें कई फायदे हैं। एक तो हम अपने पसंद के कपड़े पहन सकते हैं, दूसरा हम
लोगों में मतलब लोगों को सीख दे सकते हो कि आप कैसे पतले हो रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप एक हाउस वाइफ हो, अपने लिए कैसे टाइम निकाल रहे हो, कैसे लोगों को आप बताओगे, ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने, मेरे को भी बहुत शौक था कि मैं थोड़ी बहुत पतली हो जाऊँ तो अपना ब्लॉग डालूंगी। तो आज है ना अपने खुद के लिए करना होता है, दूसरों को तो खैर अच्छा लगता है कि आपने वेट कम करा तो दूसरों को अच्छा लगा तो उनने बोला कि हाँ भैया कर लिया। मेरे साथ क्या होता था, मैं मेरे को सभी लोग बोलते थे कि तू कितना भी घूम ले कुछ भी कर ले तेरा वेट कम नहीं हो सकता है। और दोस्तों क्या होता है ना, मजा तभी आता है, जीतने का मजा बोलते हैं, जीतने का मजा तब आता है जब लोगों को आप पे विश्वास नहीं हो और आप जीत हासिल कर लेते हो। तो वही मेरे साथ हुआ है, मेरे को मेरे हस्बैंड भी और सभी लोग बोलते थे कि आप वेट कम नहीं कर सकते हो क्योंकि आप खाने के शौकीन हो। बात रियलिटी है, सच बात है, मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, मेरे को बाहर की चीजें भी बहुत पसंद है, समोसा जलेबी ये सब बहुत पसंद है, मीठा मेरे को ना बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है मीठा और मुझे भी बहुत पसंद है, हम दोनों मीठे के मतलब कॉम्पिटिशन रहता है कि हमारे घर में आधे किलो मिठाई आती है तो कितनी देर टिकेगी वो हम पे डिपेंड करता है। और दोस्तों मतलब वेट कम करना है तो हमें सोचना पड़ता है, लेकिन मैंने मीठा अपने हिसाब से खाया है और खाना भी मैंने धीरे धीरे मतलब चबा चबा के खाया, मतलब मैंने सब चीज खाया। और उसके साथ साथ हाउस वाइफ के लिए क्या जरूरी है कि हमें खुद के घर के जितने काम होते हैं ना खुद से करने चाहिए, जब तक आप कर सकते हो, बैठ के पोछा लगाना, बैठ के झाड़ू लगाना और बैठ के कपड़े धोना, आजकल तो गर्मी के दिन है हम बैठ के मतलब छोटे मोटे कपड़े धो सकते हैं, तो मैं ये सब खुद से करती हूँ, खुद के बर्तन धोने। आप हो सकता है ठीक है आजकल मेट का सिस्टम हो गया है, मेट लगा रखी है, लेकिन खुद से भी थोड़े बहुत वर्कआउट हमें करने चाहिए। खान पान से दोस्तों दिक्कत नहीं होती है, आप सब चीज खाओ, आप कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हो, समोसा भी खा सकते हो, लेकिन सब खाओ, लेकिन क्या है ना लिमिट में खाना है। और वर्कआउट सबसे ज्यादा जरूरी है, हाउस वाइफ हर किसी को, जब भी मैं किसी को मिलती हूँ तो सभी लोगों का एक ही जवाब होता है कि जैसे आप पूछते हो आप अपना वेट कम कर लो, आपका पेट बढ़ रहा है या हिप्स बढ़ रहे, जो भी मोटापा बढ़ रहा हो, तो सब बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। सही बात है, हाउस वाइफ के पास कोई टाइम नहीं है, वो फुल टाइम वर्किंग होती है, 24 घंटे में उसके पास हर कोई काम होते हैं, हस्बैंड के लिए काम होता है, बच्चों के लिए काम होता है, बच्चों का स्कूल टिफिन बनाना ये करना सब करना, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे भी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को देखना, उनकी पढ़ाई को देखना, उनके लिए खाना पीना, उनके हर पसंद का ध्यान रखना, लेकिन हाउस वाइफ खुद के लिए नहीं जी पाती है, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती है, और इसी चक्कर में हमारा शरीर भी बेडोल हो जाता है और हमारे जो है स्किन भी लटक जाती, सभी कुछ हम पे ध्यान, हम खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन दोस्तों सुबह अपने लिए टाइम निकाल के हमने क्या करा है, मैं अपनी दिनचर्या बताती हूँ। सुबह मैंने जब से वेट कम करना शुरू करा है मैं 5 बजे उठ के घूमने जाती हूँ, इतनी मीठी नींद आई रहती है तो मतलब उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन हम लोग जैसे एक दूसरे को कॉल करके एक दूसरे को उठाते हैं तो अच्छा भी लगता है, वो जा रहे तो यार हम क्यों रुके, हमें भी जाना चाहिए। एक दो दिन बहुत आलस आता है, बिल्कुल भी नींद नहीं खुलती है, लेकिन जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। 1 घंटा वॉक करके आती हूँ, वॉक करके आने के बाद अपना डिटॉक्स वाटर ले लेती हूँ जो भी हो, उसके बाद डिटॉक्स वाटर लेने के बाद मेरा डेली का रूटीन है कि मैं एक आधा घंटा या जितना भी मेरे पास टाइम है मैं एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद अपना झाड़ू वाड़ू लगाया, क्योंकि सुबह सुबह बोलते हैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा जाने लग जाना चाहिए घर पे। उसके बाद ही मैं और हस्बैंड जी के लिए चाय बनाना, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना ये सब करती हूँ। उसके बाद जो है आजकल तो छुट्टियां हैं, लेकिन जब स्कूल डे होता है तो बच्चे को मैं स्कूल छोड़ना लाना, 4 चक्कर हमारे स्कूल का हो जाता है, स्कूल 1-2 किलोमीटर दूरी पे है तो वो हम पैदल लाना छोड़ना करते हैं, तो इतना भी मेरा चलना हो जाता है, और 1 घंटा वॉक करके आता है तो वो भी चलना हो जाता है। तो मैंने समोसा गोलगप्पे बर्गर सब खाया है, लेकिन क्वांटिटी में खाया है, और खूब सारा मैंने पानी पिया है, उसके साथ साथ ही नींबू पानी भी कभी कभी ले लेती हूँ, लेकिन 3-4 लीटर लगभग मैं पानी पी लेती हूँ। ये इस चक्कर में मैंने 1 साल में, 3 महीने में, 6 महीने में नहीं बोलूंगी, मेरा 1 साल में 13-14 किलो वेट कम हुआ है दोस्तों, जो 10 साल बाद हुआ है, बिल्कुल 10 साल तक कुछ भी नहीं हो पाया था, 10 साल तक मेरा वेट रुका ही था, जहां था वहीं था, 89, तो आज मेरा वेट जो है 76 हो गया है, 60 नहीं हुआ है, 60 आते आते भी टाइम लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे मैं कर रही हूँ कोशिश। आप इतने मतलब कभी भी मेरे को डाइटिंग करना नहीं पसंद है दोस्तों, जिम जाना नहीं पसंद है, जिम जाना क्यों नहीं पसंद है, आपके पास टाइम नहीं है, उसके बाद आप जिम के अकॉर्डिंग अपनी डाइट फॉलो नहीं कर सकते हो, हम फैमिली में रहने वाले हाउस वाइफ लोग हैं
तो यही सब है दोस्तों दिनचर्या है। तो मैंने कैसे अपना वेट कम करा है और किस तरह से मेरी दिनचर्या, वो मैंने वीडियो में आपको बताई है। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हंसते रहें। और दोस्तों अपने को मतलब कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देना है। आप सोचोगे कि यार हाँ अभी तो हमने इतना कर दिया लेकिन हो नहीं रहा, तो वेट जितनी आराम आराम से बढ़ा है तो घटने में भी तो टाइम लगेगा ना हमारा वेट कम होने में। तो इस तरह से आप अपना वेट कम कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और बाय बाय, टेक केयर।